जो बार बार कह रही थी, इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी, तो कौन सबसे ज्यादा छोड़े महत्वाकांक्षा? जी बिल्कुल, देखिए बैठक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तमाम नेताओं की अपनी बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और फिलहाल ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि तमाम जो बड़े दल हैं उन्हें अपना दबदबा छोड़ना होगा। साफ तौर पर इशारा कांग्रेस की तरफ है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी है, अगर बड़ा दल है, तो वो बड़ा दिल दिखाए, बड़ा कलेजा दिखाए और राज्यों में जो सीटों है सीटों को लेकर के कांग्रेस को त्याग करना होगा। ये इशारों में उन्होंने बात कही है कि सीटों को लेकर के भी बात हो। रवि, इशारों में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी चेता दिया है कि आपको भी अपना दबदबा या दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, और जिस ढंग से बैठक शुरू होने से पहले ही जो रणनीति केजरीवाल ने शुरू की थी उस पर भी ममता बनर्जी ने गहरा चोट किया है। उनका कहना है साफ तौर पर कि जो भी दल हो वो खुल करके बात करे, बीजेपी को हराने के लिए सारे एकजुट हो और एकजुट होने के लिए जो जैसी रणनीति बननी चाहिए बनाए, अपना जो है कोई एजेंडा यहाँ पे लागू ना करे, ये सबसे बड़ी बात कही है। और देखिए समस्या भी यही है विभा कि यहाँ पे आप जरा सोचिए कि पहले भी कही जा चुकी है बात कि जिन राज्यों में जो रीजनल पार्टियां हैं जो ड्राइविंग सीट पे हैं उनको तरजीह देनी चाहिए, ये लगभग सब दलों ने कहा है, लेकिन उस पे कांग्रेस पार्टी जो है वो कितना त्याग करती है, केजरीवाल जो है अपने स्टैंड पे कितना कायम रहते हैं ये अगले कुछ घंटों में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या आज की बैठक में इन बातों पर भरपूर चर्चा हो पाएगी, क्या नतीजा निकल पाएगा कि राज्यों में सीटों को लेकर के कैसे बात होती है, कैसे निगोशिएशन होता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो वही होने वाली है। जी बिल्कुल रवि, 5 घंटे ये बैठक चलने वाली है, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 घंटे तक ये बैठक होगी, तो क्या ये माने कि बैठक के बीच में चूंकि लंच का टाइम भी होगा तो वहां पर ब्रेक होगा, लंच होगा और उसके बाद फिर से बैठक का दौर शुरू होगा? देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी जो शुरुआती बैठक हुई है, शुरुआती बैठक के पहले घंटे में जो तमाम दलों के जो नेता है उन्होंने शुरुआती अपनी अपनी बातें रखी हैं। हर नेता जो है वो अपनी बातें रखा है, ममता बनर्जी ने अपनी बातें रखी हैं, उद्धव ठाकरे ने अपनी बातें रखी हैं, अखिलेश ने अपनी अपनी बातें फौरी तौर पर जो है वो सारे नेताओं ने रखी है। लेकिन एक जो अभी सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी ने अभी तक कोई पत्ता नहीं खोला है, राहुल गांधी ने अपनी कोई बात जो है वो सामने खुल करके नहीं रखी है। अगले 2-3 घंटों में जब तक बहस चलेगी, जो बैठक चलेगी, उसमें देखना होगा कि राहुल गांधी जो है वो कौन सी बातें रखते हैं और तमाम रीजनल पार्टियां जो है वो आगे कैसे बढ़ती है। तो अभी जो ढाई कि संयोजक को लेकर सबसे पहले बात आई कि संयोजक कौन हो, नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल, ये सबसे पहली जो चर्चा हुई वो इसी बात को लेकर के हुई कि आपसी एकजुटता अगर होगी तो कैसे होगी, आखिर कैसे सारे दलों को एकजुट होकर के आगे बढ़ा जाए, तो उसमें कन्वेनर होने की, संयोजक होने की जो बात है वो निकल करके सामने आई। और जिस ढंग से नीतीश कुमार ने देश भर के तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया है, पटना में बैठक हुई है, इसे लेकर के लगभग सारे लोगों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार कन्वेनर बनते हैं तो किसी को समस्या नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार ही संयोजक की भूमिका में क्यों आएंगे, नीतीश कुमार को लेकर स्वीकार्यता क्या सभी दलों के अंदर संयोजक के तौर पर होगी? नीतीश के विपक्षी मुहिम की शुरुआत उन्हीं की तरफ से की गई, इसलिए भी वो संयोजक हो सकते हैं। नीतीश ने देश भर में कई राज्यों का दौरा किया है, नीतीश ने बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट किया है जिसे नामुमकिन माना जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि स्वच्छ है, साफ सुथरी है, नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है। विपक्षी मुहिम की शुरुआत करने वाले कोई और नहीं, ये खुद नीतीश कुमार ही रहे जिन्होंने देश भर में घूमकर कई राज्यों का दौरा कर वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सभी को इस बात के लिए राजी किया कि पहले एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पर बैठकर बातचीत तो कम से कम की जाए, तब उसके बाद सबके मुद्दे, सबके विषय, सबकी परेशानी, सबके चिंतन मंथन के विषय सामने होंगे और उस पर कोई समाधान निकाला जाएगा। जुड़ना, बैठना, ये पहले जरूरी है। हमारे